वेलकम टू माय चैनल लर्न विद स्टडी। दोस्तों दिस इज द पाइप एंड सिस्टम पार्ट 8 सेशन। ऑलरेडी मैं आपको पार्ट 1 से लेके पार्ट 7 तक कंप्लीट करा दिया हूं। अगर आप नहीं देखें तो इसका प्लेलिस्ट मैं बना चुका हूं। मैं इस वजह से करा रहा हूं कि आप मेंस की प्रिपरेशन करो। मैं बेसिक से स्टार्ट प्री और मेंस दोनों एक साथ लेके चल रहा हूं ताकि आपको कोई भी लाइफ में दोबारा कहीं भी आपको वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े और ना ही कहीं कोचिंग जाने की जरूरत पड़े। इस वे से करा रहा हूं मैं। ऑलरेडी टाइम एंड वर्क आपको 15 लेक्चर्स कंप्लीट करा चुका हूं इसी वे से, जिस वे से आपको पाइप एंड सिस्टम करा रहा हूं। और पाइप एंड सिस्टम में भी टोटल 9 वीडियो बनेंगे, ये 8 है, इसके बाद एक और लास्ट है वो भी आज आपको मिल जाएगा। जैसे ही मैं वीडियो कंप्लीट करता हूं, जो भी टॉपिक्स पूरी की पूरी फाइनली कंप्लीट करता हूं, उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करता हूं। हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक होता है टेलीग्राम का, आप वहां से जुड़ सकते हैं। तो देर नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं सेशन को। देखो ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपको मेंस में भी पूछे जाते हैं और प्री में भी पूछे जाते हैं। कभी मेंस में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन के वीकनेस पॉइंट को पकड़ो। ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत ही आसानी से बना सकते हैं और ये मेंस में पूछे जाते हैं। देखो दो क्वेश्चन को दो तरह से देखो, आपसे क्वेश्चन क्यों नहीं बनता उसके पीछे रीजन है। फर्स्ट, आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट के लिए मैंने आप बोलता रहा हूं, हर एक टाइप के क्वेश्चन करा रहा हूं, प्री और मेंस लेवल तक आपसे छूटने नहीं वाला। सेकेंड बात आती है क्वेश्चन के लैंग्वेज। तो देखो कॉन्सेप्ट के लिए आपको चाहिए एक अच्छा टीचर्स, मतलब जिसके पास, जो अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट सिखा सके। कॉन्सेप्ट मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, मैं नहीं बोल रहा हूं कि मैं बहुत अच्छा हूं ये सब चीजें। अगर आपको मेरी वीडियो से हेल्प मिलती है देन यू कैन फॉलो मी, अदरवाइज आप शिफ्ट हो सकते हैं। बहुत सारे चैनल हैं, मेरा मैं जितना बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूं, जितना मेरे पास नॉलेज है मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूं। सेकेंड आती है क्वेश्चन की लैंग्वेज। तो देखो कॉन्सेप्ट सीख लो, अब लैंग्वेज देखो। कॉन्सेप्ट तो एक बार सीख लिए वो भूलता नहीं है अगर आप प्रैक्टिस करोगे। अब बात आती है प्रैक्टिस। लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में आप क्यों फंसते हो, इसके पीछे रीजन है प्रैक्टिस। अगर प्रैक्टिस एक ही इलाज है लैंग्वेज के क्वेश्चन को फंसने का, एक ही इलाज है कि आपने प्रैक्टिस की कमी की है। तो देन प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। देखो क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है, ये भी क्वेश्चन आपको मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इन व्हाट टाइम वुड टैंक ए फिल्ड बाय थ्री पाइप, मतलब क्वेश्चन कर रहा है कितने टाइम में टैंक फिल हो जाएगा तीन पाइप के द्वारा हुज डायमीटर आर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर रनिंग टूगेदर। कर रहा है हमारे पास तीन पाइप है, लो हमारे पास तीन पाइप है, एक पाइप, दूसरा पाइप और तीसरा। तीनों के डायमीटर के बारे में दिया हुआ है, डायमीटर के बारे में दिया हुआ है। डायमीटर, डायमीटर क्या होता है, देखो डायमीटर, अब मान लो ये पाइप है हमारे पास, तो इसका बेस जो है वो क्या है, सर्कुलर है, सर्किल है ना ये बेस। अब इसका डायमीटर यही होगा ना, ये डायमीटर की कितना, ये डायमीटर, तो डायमीटर का रेशियो दिया हुआ है। डायमीटर अलग अलग दिया, इसका डायमीटर दिया है 1 और इसका दिया है 1 और इसका दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। देखो सॉरी फॉर दैट, क्वेश्चन कर रहा है कि व्हेन द लार्जेस्ट एलोन कैन फिल, जो इनमें से जो बड़ा है, अब डायमीटर देखो लार्जेस्ट, इनमें से जो बड़ा है वो क्या रहा है कि 61 मिनट में फिल कर रहा है, ठीक है। यहां पे क्वेश्चन समझ गया। अब देखो क्वेश्चन का एक होल वीक पॉइंट क्या, देखो द अमाउंट ऑफ वाटर फॉलोइंग बाई द ईच पाइप इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डायमीटर। मतलब कह रहा है कि जो अमाउंट ऑफ वाटर है, अमाउंट ऑफ वाटर मतलब इसका फ्लो करने का कैपेसिटी, जिसको बोलेंगे कि वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम मतलब इनसे कितना पानी ये निकल रहा है। अब जितना ये मोटा होगा डायमीटर, ये इतना पानी की बात किया जा रहा है। देखो ठीक है, देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसके प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर ऑफ द डायमीटर, डायमीटर के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अब देखो दूसरी बात, ये जो होती है कि अमाउंट ऑफ वाटर डैट इज कॉल्ड क्या, इफिशियंसी। इफिशियंसी का मतलब यही होता है ना, देखो इफिशियंसी का मतलब है कितना पानी बाहर निकल रहा है, कोई भी टंकी है, कोई भी पाइप है, उससे कितना पानी बाहर निकल रहा है, ठीक है। अब इफिशियंसी का मतलब ही होता है, अगर इंग्लिश में बात करें, द कैपेसिटी टू डूइंग वर्क इन 1 आवर, मतलब जो आवर है तो आवर, मिनट है तो मिनट, डेट इज कॉल्ड द क्या, इफिशियंसी। यहां तक समझ में आ गया। देखो डायमीटर तीन पाइप हैं, फर्स्ट का 1 है, दूसरे का भी 1 दिया हुआ है, तीसरे का भी क्या दिया, 2 सेंटीमीटर का डायमीटर है।
एक बार फिर से आपको क्वेश्चन हिंदी में समझा देता हूं। एक सेंटीमीटर एंड दो सेंटीमीटर व्यास वाले, व्यास मतलब डायमीटर, डायमीटर को क्या बोलते हैं, व्यास वाले तीन पाइपों को एक साथ चलाने से वह टंकी कितने समय में भर जाएगी। तीनों को एक साथ चलाया जाए तो कितने समय में भर जाएगी टंकी, यानी तीनों को एक साथ खोला जाए तो कितने समय में भर जाएगी, जब सबसे बड़ा वाला पाइप अकेले इसे 61 मिनट में भर सकता है। प्रत्येक पाइप से बहने वाला पानी की मात्रा इसके व्यास के वर्ग के समानुपाती है, यानी जो पानी की मात्रा जो है वो व्यास के वर्ग के समानुपाती है। और पानी की मात्रा क्या हो जाएगा, इफिशियंसी, तो इफिशियंसी क्या हो जाएगा, इफिशियंसी हो जाएगा इसका स्क्वायर, वन का स्क्वायर वन, इसका स्क्वायर वन का स्क्वायर वन, और टू का स्क्वायर कितना हो जाएगा फोर। सिंपल सा चीज़ है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो देखो इसका स्क्वायर कर लेना, इफिशियंसी के लिए क्या करोगे, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, इफिशियंसी ये क्वेश्चन में मेंशन है, यही तो इसका, मैंने बोला है ना हर क्वेश्चन में एक वीक पॉइंट होता है और यही क्वेश्चन का वीक पॉइंट है। अब देखो आपको मैं एक चीज समझाता हूं, अगर ये नहीं भी दिया होता ना, फॉर एग्जाम्पल देखो आपको मैं बताता हूं, अगर ये नहीं भी दिया होता, सिंपल सा चीज देखो, अगर ये वाला पोर्शन नहीं भी दिया होता तो आपको सोचना ही पड़ता कि ऐसा होता है, बट क्वेश्चन में दे दिया है। अदरवाइज अगर ये नहीं भी दिया होता तो रियलिटी बता रहा हूँ, मेंसुरेशन में आपको कराऊंगा ये पॉइंट, मेंसुरेशन में आप सोचो, इफिशियंसी यानी कि कैपेसिटी यानी कि वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है, एरिया ऑफ बेस, यानी बेस का एरिया इंटू क्या होता है हाइट, ठीक है। अब देखो एरिया, अब बेस, ये बेस क्या है, सर्किल है, सर्किल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ये होता है ना। देखो तो अब आप अपने से सोचो, यहां पे देखो पाई इंटू रेडियस, रेडियस क्या होता है डायमीटर का हाफ होता है, तो पाई आर स्क्वायर, आर का मतलब क्या है डी बाई टू का स्क्वायर, हाइट, हाइट इसकी क्या है निग्जिबल है ना, पाइप की हाइट कितनी है निग्जिबल, यानी वॉल्यूम किसके प्रोपोर्शनल हो गया, देखो पाई इंटू डी स्क्वायर बाई फोर। अब देखो वी इक्वल टू पाई बाई फोर, एक साथ लिख लो डी, ये तो कॉन्स्टेंट है, यानी वैरी किसके अकॉर्डिंग करेगा, वी वॉल्यूम के अकॉर्डिंग डी स्क्वायर, यही क्वेश्चन में दिया हुआ था, अगर नहीं भी दिया होता तो आपको सोचना पड़ता, और ये मैं आपको फार्मूला आपको पूरी की पूरी मेंसुरेशन में यूज कराऊंगा, ठीक है। और यानी कि इफिशियंसी, इफिशियंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, डायमीटर का स्क्वायर, ये रियलिटी है, ठीक है। वो चीज मैं आपको बता रहा था कि अगर नहीं भी दिया होता तो भी सोचते। अब देखो क्वेश्चन यहीं से आसान हो गया, ये तो मैं समझाने के लिए किया था, अदरवाइज जब क्वेश्चन कराऊंगा तो देखो कितना आसान क्वेश्चन करा है। अभी बताओ इफिशियंसी यानी इफिशियंसी क्या होती है, एक मिनट में कितना पानी, यानी देखो सबसे बड़ा पाइप वाला कितनी है कि ये चार, देखो ये चार वर्क कर रहा है एक मिनट में, यानी ज्यादा पानी निकाल रहा है बाहर फेंक रहा है, तो देखो क्वेश्चन कर रहा है, आप देखो बड़ा पाइप अकेले इसे 61 मिनट में भर रहा है। बड़ा पाइप क्या मान लेते हैं, ये ए है और बी है और सी, तीन पाइप है, लो यहां पर ए बी और सी पाइप है, तो बड़ा पाइप कौन सा हुआ, देखो जिसकी इफिशियंसी ज्यादा होगी, तो सी इंटू, ठीक है। बड़ा पाइप ऑलरेडी दो मीटर, देखो अगर सिंपल सा चीज आप डायरेक्ट भी बोल सकते हैं बड़ा पाइप यही है, क्योंकि इसकी डायमीटर कितनी दी हुई थी दो, जितना ज्यादा चौड़ा होगा पाइप उतना पानी बाहर फेंकेगा, तो सबसे बड़ा पाइप सी इंटू कितने मिनट में फिल कर रहा है, 61 मिनट में। लेकिन क्वेश्चन में निकालना क्या है, तीनों मिलके, देखो तीनों मिलके एक साथ कितने देर में भरेंगे, तो ए प्लस बी प्लस सी इंटू क्या मान लेते हैं x, कितने देर में भरेंगे, कितने मिनट में भरेंगे, कितने मिनट में भरेंगे, तो x मिनट, सिंपल मैन इंटू डेज टोटल वर्क कॉन्सेप्ट लगाया दोनों साइड का। c देखो c की इफिशियंसी कितनी है चार, फोर इंटू 61 इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी की प्लस सी तीनों को जोड़ो इफिशियंसी, तो दो और चार छ, सिक्स इंटू एक्स, तो देखो दो दूनी चार, दो तिया छ, यानी कि x कितना हो गया सिक्स इन, सॉरी यहां पे देखो इरेज कर लेता हूं, तो देखो x कितना हो गया, x हो गया आपको, x हो गया इधर मैं बात करता हूं 3 है ना, 3x इज इक्वल टू इतना, तो 2 इंटू 61 डिवाइडेड बाई 3, इतना मिनट में तीनों मिलके भर जाएंगे टंकी को, क्या कर देंगे पूरी की पूरी फिल कर देंगे, टैंक जो भी है टंकी उसको फिल कर देंगे। देखो सिंपल कॉन्सेप्ट क्या था, देखो अगर मैं इसको क्वेश्चन को बनाना होता तो डायरेक्ट मानता ए है टंकी, बी है और सी है, इसकी डायमीटर क्या दी हुई है वन वन और टू, तो इफिशियंसी क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर, इफिशियंसी क्वेश्चन में गिवन है डायमीटर का स्क्वायर, यानी कि कितना हो जाएगा वन, इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, यानी फोर, बस यही क्वेश्चन में था। क्वेश्चन में कह रहा है कि सबसे बड़ी टंकी जिसकी डायमीटर बड़ा होगा वो पानी ज़्यादा फेंकेगा, क्योंकि देखो ये इतना छोटा है, ये इतना छोटा है और ये इतना बड़ा है, क्योंकि डायमीटर इसकी दो है और इसकी वन है और इसकी वन है, यानी जो बड़ा है, बड़ा कौन सा है सी वाला,
ए बी और सी। तो सी कितने देर में भर रहा है, 61 मिनट में। तीनों मिलके पूछ रहा है, तो यानी कि ए प्लस बी तीनों मिलके कितने देर में भरेंगे, मान लेते हैं 1 मिनट में भरेंगे। ठीक है, तो देखो सी की इफिशियंसी कितनी है, 4, 4 इंटू 61 इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी, तीनों मिलाओ, 4 एक 5, 5 एक 6, 6 इंटू क्या, एक्स। सिंपल सा चीज है। तो अब देखो सिंपल सा चीज है, इसको कटा दूं, 2 3 6, 2 2 4, तो एक्स क्या हो गया, 2 × 61/3, इतने मिनट में तीनों मिलके भर देंगे। अब देखो मेंस के क्वेश्चन में पूछा गया, देखो ये तो मैंने आपको क्वेश्चन ले लिया, यही क्वेश्चन आपको मेंस में पूछा गया है। देखो मेंस में क्या क्वेश्चन कह रहा है, सेम क्वेश्चन है, बस देखो मेंस में क्या कह दिया कि डायमीटर का रेशियो दिया हुआ था। देखो मेंस का क्वेश्चन क्या है, डायमीटर का पहला वाला पाइप ए है, उसका डायमीटर 1 है, और बी है जिसका डायमीटर 4/3 है, और सी है जिसका डायमीटर, देखो जिसका डायमीटर क्या है, 4 है। बस यही दिया हुआ था, सेम क्वेश्चन था, बस यहां पे चेंजिंग था डायमीटर के जगह पे, इसके 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 जगह पे चेंजिंग था। तो बताओ इफिशियंसी क्या होगी, इसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर इज टू 4/3 का स्क्वायर इज टू कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर। इफिशियंसी क्या हो गई, देखो 1:16 कितना हो गया, 16/9:16 कितना हो गया, 16। अब देखो फ्रैक्शन में तो होगा नहीं, इसको पूरा का पूरा होल में चेंज करेंगे, तो 9 से 9 से क्या कर दें, भाग कर दें सभी में, 9 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 9:16 ये कट जाएगा, 16:16 16 नवा कितना हो जाएगा आपको, देखो 16, एक मिनट मैं कहीं मिस्टेक तो नहीं कर रहा हूं, ध्यान से देख लेते, ठीक है चलो ठीक है। देखो सॉरी, यहां पे मैं बता दूं कि यहाँ पे ये था, यहाँ पे 2 दिया हुआ था, ठीक है 2 दिया हुआ था, यहाँ पे 2 दिया हुआ था, ठीक है मेंस के पेपर में, मैंने अभी देखा कि क्वेश्चन में क्या था, तो 2 था, तो 2 का मतलब कितना हो गया, 4। तो देखो 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9:16:2 ये कितना हो जाएगा, 36। ये मतलब डाटा दिया हुआ था मेंस के पेपर में, ठीक है। देखो सिंपल ये हो गया। अब तुम सोचो क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन था, क्वेश्चन में क्या था कि बड़ा वाला टंकी कितने मिनट में, 61 मिनट में भर रहा है, तो तीनों मिलके कितने दिनों में, अभी सेम ही क्वेश्चन था, मैंने बोला था तीनों मिलके कितने दिनों में, मान लेते हैं एक्स दिनों में। सी सी कितनी है, 36 है इफिशियंसी, 36 × 61 तीनों मिलके, तीनों मिलके कितना जोड़ो, 16 9 25 और 25 36 कितना हो गया, 61, 61 इफिशियंसी हो गया एक्स, तो 61 से 61 यानी कि जो तीनों मिलके 36 मिनट में पाइप टंकी को क्या कर देंगे, भर देंगे। और ये क्वेश्चन आपको एक्चुअल मेंस का क्वेश्चन था, मैंने यहाँ पे ये भी प्री का क्वेश्चन था और ये मेंस का क्वेश्चन था, क्या डिफरेंस है, कुछ नहीं डिफरेंस है, आपके माइंडसेट की थिंकिंग अलग है। क्वेश्चन लॉजिकल होते हैं, क्वेश्चन को आसानी से बनाया जा सकता है, मैं आपको समझाने पे टाइम दे रहा हूं, अदरवाइज ये क्वेश्चन विद इन फ्रैक्शन मतलब कि ओरली कर सकते थे, और कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन देखो, ये भी क्वेश्चन आपको प्री में पूछा गया है और मेंस में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। इन व्हाट टाइम वुड टैंक विल बी फिल्ड बाय द 3 पाइप, कितने समय में 3 पाइप के द्वारा टंकी फिल की जाएगी, हुज डायमीटर 1, 2 और 4 दिया हुआ। डायमीटर का रेशियो, डायमीटर कितना, ए पाइप है, बी पाइप है और सी है, एक का डायमीटर 1 है, दूसरा का 2 है और तीसरा का 4 है। क्वेश्चन कह रहा है व्हेन द लार्जेस्ट पाइप एलोन कैन फिल, लार्जेस्ट पाइप कौन सा होगा, देखो डायमीटर जिसकी होगी वो बड़ा, वो लार्जेस्ट पाइप, लार्जेस्ट पाइप कितने देर में फिल कर रहा है, 42 मिनट में। तो तीनों मिलके क्वेश्चन में पूछ रहा है ना, तीनों मिलके कितने देर में भरेंगे, मान लेते हैं 1 मिनट में भरेंगे, ये तो क्वेश्चन का क्वेश्चन कह रहा था जो हमने लिख लिया, सिंपल। अब देखो फिर वही चीज, द अमाउंट ऑफ वाटर फॉलोइंग बाय द ईच पाइप ऑफ प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिफेज, स्क्वायर ऑफ द डायमीटर। इफिशियंस अगर नहीं भी दिया रहा है तो मैंने बोला था ना इफिशियंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर का स्क्वायर, ये मैंने आपको प्रूफ भी करा दिया। तो इफिशियंसी कितना हो जाएगी, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, सी का 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16। लो अब क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन कह रहा है निकाल लें यहाँ से सी की इफिशियंसी कितनी है, देखो सी की इफिशियंसी 16 है, 16 × 42 = ए प्लस बी प्लस सी, तीनों मिलाएं 16 4 20 और 21, तीनों मिलाएं तो 16 4 20 और 21, 21 × x, 21 × 42 यानी x = कितना हो गया, 32, 32 मिनट में क्या हो जाएगा, तीनों मिलके भर देंगे उस टंकी को। वही क्वेश्चन था, 1 cm, 2 cm, 4 cm व्यास वाले 3 पाइपों को व्यास दिया हुआ, डायमीटर दिया हुआ, इसलिए मैंने डायमीटर लिखा है वाले, वह टंकी को कितने समय में भर सकते हैं, तीनों मिलके कितने समय में भर सकते हैं, जब सबसे बड़ा वाला नल अकेले 42 मिनट में भर सकता है, जो ये क्वेश्चन कह रहा था वो चीज हमने लिख लिया। प्रत्येक पाइप से बहने वाला पानी की मात्रा इसके ब्यार, ये नहीं भी दिया रहता तो भी हम समझ जाते, तो डायमीटर इफिशियंसी निकाल दिया स्क्वायर करके, बस जो क्वेश्चन कह रहा था वो हमने
ले लिया। और ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, मैन इंटू डेज इक्वल टू टोटल वर्क, दोनों साइड का टोटल वर्क क्या है? हमने ये इक्वल कर दिया, सिंपल सा चीज है। करा कि सी अकेले 42 मिनट में कर सकता है, तो ए प्लस बी कितने मिलके कितने मिनट में करेंगे, बस क्वेश्चन ये था। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर वीडियो से हेल्प मिलती है तो प्लीज़ वीडियो को जरूर कमेंट्स करें कि आपको सच में मज़ा आ रहा है कि नहीं सेशन में, एंड अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें, ये मैंने आपको कितनी बार बोला है, जरूर शेयर करें। थैंक यू और बाय बाय। नेक्स्ट जो पार्ट 9 है, पार्ट 9 में हम लास्ट जो कॉन्सेप्ट है वो हम यूज करेंगे, और वो कॉन्सेप्ट ऑलरेडी बताया हुआ है टाइम एंड वर्क में, लेकिन मेंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं इसीलिए मैं उसका यूज करूंगा। थैंक यू, बाय बाय। नेक्स्ट पार्ट के बाद आपको पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।